जहाँ माँ बाबूजी और विनय प्यार व ममता के सागर थे, वहीं मोहिनी बेहद बददिमाग, नकचड़ी और गुस्सैल थी। बात बात पर तुनकना, रूठना, दूसरों की गलती निकालना उसकी आदत थी। जब विवाह के बाद विभा ससुराल आई तो माँ जी बाबूजी ने उसे बहू नहीं बेटी की तरह समझा, स्नेह दिया। विनय से उसे भरपूर प्यार और सम्मान मिला। बस एक मोहिनी ही थी जिसे अपनी भाभी से जरा भी लगाव नहीं था। उसने तो जैसे पहले दिन से ही विभा के विरुद्ध मोर्चा संभाल लिया था। बात बात में विभा की गलती निकालना, उसे नीचा दिखाना मोहिनी का रोज का काम था। लेकिन विभा ना जाने किस मिट्टी की बनी थी कि वह मोहिनी की किसी बात का बुरा ना मानती, उसकी हर बात को हंस कर सह लेती। हर बात में कुशल विभा की तारीफ होना तो मोहिनी को फूटी आँख न सुहाता था। एक दिन विभा ने बड़े मनोयोग से डोसा, इडली सांभर आदि दक्षिण भारतीय व्यंजन तैयार किए थे। सभी स्वाद ले लेकर खा रहे थे। विनय तो बार बार विभा की तारीफ करता जा रहा था, वाह क्या लाजवाब डोसे बने हैं, लगता है किसी दक्षिण भारतीय लड़की को ब्याह कर लाया हूँ। तभी एकाएक मोहिनी ने जोर से थाली एक तरफ सरकाते हुए कहा, आप लोग भाभी की बेवजह तारीफ कर कर के सिर पर चढ़ा रहे हो, देखना एक दिन पछताओगे। अभी मोहिनी कुछ और कहती तभी बाबूजी की कड़क आवाज़ गूंजी, चुप हो जा, देख रहा हूँ तू दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही है, जब देखो तब बहू के पीछे पड़ी रहती है। बाबूजी का इतना कहना था कि मोहिनी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते वह विभा को कोसती भी जा रही थी, जब से भाभी आई है तभी से मैं सबको बुरी लगने लगी हूँ, न जाने इन्होंने सब पर क्या जादू कर दिया है, भैया तो बिल्कुल ही जोरू के गुलाम बन गए हैं। कहते कहते अपने कमरे में चली गई। एक दिन मोहिनी अपनी सहेली के घर गई हुई थी। विभा और माँ जी बैठी चाय पी रही थी। एकाएक माँ जी ने विभा को अपनी गोद में लिटा लिया और प्यार से उसके बालों में उंगलियाँ फेरती हुई बोली, काश मेरी मोहिनी भी तेरी तरह मधुर स्वभाव वाली होती, मैंने तो उसका चांद सा मुखड़ा देख मोहिनी नाम रखा था, सोचा था अपनी मीठी हंसी से वह घर में खुशियों के फूल बिखेरेगी। लेकिन इस लड़की को तो जैसे हंसना ही नहीं आता, मुझे तो चिंता है कि इससे शादी कौन करेगा। माँ जी को उदास देख विभा का मन भी दुखी हो उठा। उसने पूछा, माँ जी आपने मोहिनी के लिए लड़के तो देखे होंगे। हाँ कई जगह बात चलाई, परंतु लोग केवल सुंदरता ही नहीं स्वभाव भी देखते हैं, जहाँ भी बात चलाओ वहीं इसके स्वभाव के चर्चे पहले पहुँच जाते हैं। छोटे शहरों में वैसे भी किसी के घर की बात दबी छिपी नहीं रहती। कुछ देर चुप रहने के बाद माँ जी ने आशा भरी नज़रों से विभा की ओर देखते हुए पूछा, तुम्हारे मायके में कोई लड़का हो तो बताओ, इस शहर में तो इसकी शादी होने से रही। बहुत सोचने विचारने के बाद एकाएक उसे रंजन का ध्यान आया। रंजन विभा के पिताजी की मुँह बोली बहन का लड़का था। रंजन भी विभा की तरह ही बुराई को हंस कर सह जाने वाला और शीघ्र ही क्षमा कर देने में विश्वास रखने वाला लड़का था। रंजन जैसा लड़का ही मोहिनी जैसे तेज तर्रार लड़की को सहन कर सकता है, विभा ने सोचा। फिर माँ बाबूजी की आज्ञा लेकर वह अपने मायके गई। मोहिनी की फ़ोटो रंजन को ही नहीं सभी को बहुत पसंद आया, लेकिन विभा ने मोहिनी के स्वभाव के विषय में रंजन को अंधेरे में रखना ठीक न समझा। मोहिनी के तीखे स्वभाव के बारे में जानकर रंजन हंस पड़ा, अच्छा तो यह सुंदर सी दिखने वाली लड़की नकचढ़ी भी है। लेकिन दीदी तुम चिंता मत करो, मैं इस गुस्सैल लड़की को यो काबू में ले आऊँगा, कहते हुए उसने जोर से चुटकी बजाई तो उसके साथ साथ विभा भी हंस पड़ी। लेकिन विभा जानती थी कि मोहिनी को काबू में रखना इतना आसान नहीं है जितना कि रंजन सोच रहा है। तभी तो उसके विवाह के बाद भी वह और माँ जी निश्चिंत नहीं हो सकी थी। उन्हें हर वक्त यही खटका लगा रहता कि कहीं मोहिनी ससुराल से लड़ झगड़ न पड़े, रूठ कर वापस न आ जाए। अभी मोहिनी के विवाह को हुए 4 महीने ही बीते थे कि अचानक वह अजीब से उखड़े मूड में आ धमकी थी। न जाने क्या बात हुई होगी, विभा का दिल शंका से कांप उठा था। विभा ने बात शुरू की, और सुनाओ ससुराल में खुश तो हो ना? शायद मोहिनी इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने बिफर कर जवाब दिया, खाक खुश हूँ, तुमने तो मुझे इतने लोगों के बीच फंसवा दिया, दिन रात काम करो, सास ससुर के नखरे उठाओ और एक देवर है कि हर वक्त उसके चोचले करते फिरो। मोहिनी का धारा प्रवाह बोलना जारी था। रंजन भी कम नहीं है, हर वक्त अपने घर वालों की लल्लो चप्पो में लगा रहता है, मेरी तो एक नहीं सुनता, उस घर में रहना मेरे बस का नहीं है, अब तो मैं तभी वापस जाऊंगी जब रंजन अलग घर ले लेगा।
इसी तरह मोहिनी रंजन के परिवार को बहुत देर तक भला बुरा कहती रही, परंतु माँ जी और विभा को क्या उसके स्वभाव के बारे में मालूम न था। वे जान रही थी कि मोहिनी सफ़ेद झूठ बोल रही है। वास्तव में तो संयुक्त परिवार में रहना उसे भारी पड़ रहा होगा। तभी वह खुद ही लड़ाई झगड़ा करती होगी ताकि घर में अशांति करके अलग हो सके। वैसे भी विभा रंजन के परिवार को वर्षों से जानती थी। उसे पता था कि रंजन और उसके परिवार के अन्य सदस्य मोहिनी को खुश रखने की हर संभव कोशिश करते होंगे। उससे दिन रात काम करवाने का तो सवाल ही नहीं उठता होगा। उल्टे बुआ तो उसके छोटे बड़े काम भी खुश होकर कर देती होंगी। माँ जी ने मोहिनी को समझाने की कोशिश की, देख बेटी, तेरी भाभी भी तो खुशी खुशी संयुक्त परिवार में रह रही है। यह भी तो हम सबके लिए काम करती है। इसने तेरी बातों का बुरा मानने के बजाय हमेशा तुझे छोटी बहन की तरह प्यार किया है। तुझे इससे सीख लेनी चाहिए। लेकिन मोहिनी तो विभा की तारीफ होते देख और भी भड़क गई। उसने साफ कह दिया, भाभी कैसी है, क्या करती है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने बारे में जानती हूँ कि मैं अपने सास ससुर के साथ नहीं रह सकती। अब भाभी या तो रंजन को अलग होने के लिए समझाए, वरना मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। मोहिनी का अड़ियल रुख देखकर विभा ने खुद ही जाकर रंजन से बातचीत करने का फैसला किया। रास्ते पर विभा सोचती रही कि वह किस मुँह से रंजन के घर जाएगी। आखिर उसी ने तो सब कुछ जानते हुए भी मोहिनी जैसी बददिमाग लड़की को उन जैसे शरीफ लोगों के पल्ले बांधा था। परंतु रंजन के घर पहुंचकर विभा को लगा ही नहीं कि उन लोगों के मन में उसके लिए किसी प्रकार का मैल है। विभा को संकोच में देख रंजन की मां ने खुद ही बात शुरू की, विभा मैंने रंजन को अलग रहने के लिए मना लिया है। अब तू जाकर मोहिनी को वापस भेज देना। दोनों जहाँ भी रहें बस खुश रहें, मैं तो यही चाहती हूँ। विभा ने शर्मिंदगी भरे स्वर में कहा, बुआ मेरी ही गलती है जो रंजन का रिश्ता मोहिनी से करवाया। तभी रंजन ने बीच में टोका, नहीं दीदी, आपने तो मुझे सब कुछ पहले बता ही दिया था। खैर अब तो जैसी भी है वह मेरी पत्नी है, मुझे तो उसका साथ निभाना ही है। लेकिन मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन उसका स्वभाव जरूर बदलेगा। वापस घर पहुँच कर जब विभा ने रंजन के अलग घर ले लेने की खबर दी तो मोहिनी खुश हो गई। लेकिन विनय खुद को कहने से ना रोक सका, मोहिनी तू जो कर रही है ठीक नहीं है। खैर अब रंजन को खुश रखना, वह तेरी खुशी के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहा है। अच्छा अब ज़्यादा उपदेश मत दो, मुंह बिचका कर मोहिनी ने कहा और फिर मोहिनी वापस चली गई। फिर एक दिन रंजन का फ़ोन आया। उसने घबराए स्वर में बतलाया, दीदी मोहिनी को तीसरे महीने में अचानक रक्तस्राव शुरू हो गया है। डॉक्टर ने उसे बिस्तर से बिल्कुल न उठने की हिदायत दी है। आपको या माँ जी को आना पड़ेगा। मैं तो माँ को ला रहा था, लेकिन मोहिनी कहती है कि अब वह किस मुँह से उन्हें आने के लिए कह सकती हैं। सास की तबीयत खराब थी इसलिए विभा को ही जाना पड़ा। लेकिन वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि रंजन की माँ वहाँ पहले से ही मौजूद है। विभा ने सुखद आश्चर्य में पूछा, बुआ आप यहाँ? अरे यह मोहिनी तो पागल है, भला मुझे बुलाने में संकोच कैसा। मुसीबत में अपने काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा। यह तो अपने पूर्व व्यवहार के लिए बहुत ग्लानि महसूस कर रही है। बेटी तू इसे समझा कि इस अवस्था में ज़्यादा सोचा नहीं करते। रात को विभा मोहिनी के कमरे के पास से गुजर रही थी कि अंदर की बातचीत सुन वह ठिठक गई। रंजन मोहिनी को छेड़ रहा था, अब क्या करोगी, अब तो तुम्हें काफ़ी समय तक माँ के साथ रहना पड़ेगा। मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए, आज मुझे परिवार का महत्व समझ आ रहा है। सच सबसे प्यार करने से ही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। अरे अरे तुम तो एक ही दिन में बहुत समझदार हो गई हो। अच्छा अब मजाक मत कीजिए, और हाँ जब मैं ठीक हो जाऊँ तो मुझे अपने घर ले चलना, अब मैं वहीं सबके साथ रहूँगी। बाहर खड़ी विभा ने चैन की सांस ली। चलो देर से ही सही, लेकिन आज मोहिनी को परिवार के साथ मिलजुल कर रहने का महत्व तो पता चला। अब विभा को यह समाचार विनय माँ जी और बाबूजी को सुनाने की जल्दी थी कि मोहिनी के स्वभाव में परिवर्तन हो चुका है।